नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सुरागिला न्यूज चैनल के काशीपुर बुलेटिन में। मैं हूं अनुष्री भारद्वाज। जो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की फटाफट खबरों पर। काशीपुर पहुंचे उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा। उत्तराखंड स्वास्थ्य अपर सचिव ने किया राजकीय चिकित्सालय का औचक निरीक्षण। पुलिस ने किया करोड़ों के फर्जीवाड़े के आरोपी को गिरफ्तार। जांच मारने की कोशिश को लेकर पीड़ित ने कराई तहरीर दर्ज। चंद्रावती तिवारी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आईसीए एजुकेशन स्किल काशीपुर की कार्यशाला का हुआ आयोजन। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत निकाली गई कलश यात्रा। हीरो मोटर्स के स्वामी ने किया कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का स्वागत। अब खबरें विस्तार। आज काशीपुर पहुंचे उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा। आपको बता दें, आज काशीपुर में एक कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिस दौरान काशीपुर एवं आसपास के क्षेत्र से सभी कांग्रेस कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे, जिस दौरान 2024 के चुनाव को लेकर भी रणनीति एवं रोड मैप तैयार किया गया। आपको बता दें, इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि 2024 का चुनाव एक ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि इस बार कांग्रेस तैयार है एवं बूथ स्तर तक मजबूत है। देखिए, हाँ, पहली बात तो यह है कि काशीपुर के लिए बहुत गर्व की बात है कि पहली बार एक मीटिंग हुई है करण महाराज की, जो कि पूरे कुमाऊं लेवल की हुई है। उसमें कुमाऊं के सारे विधायक और कुमाऊं के सारे हमारे जिलाध्यक्ष और नगर अध्यक्षों को यहाँ बुलाया गया है, ताकि उनको आगे लोकसभा के आने वाले चुनाव के लिए और अगर निकाय के होते हैं उनके लिए टिप्स दिया जा सके और ये कहा जा सके कि किस तरह से कार्य करना है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जिस तरह से जनता में जोश था वहाँ से लेकर वहाँ तक, वो तो आपने देखा, लेकिन उसके बाद वो पर्सनली भी व्यक्तिगत तौर पर विधायकों से और जिलाध्यक्षों से कुछ टिप्स देने जा रहे हैं, जिसमें शायद आप भी इनवाइटेड नहीं होंगे, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं किस तरह से पार्टी को मजबूत करना है। और उन्होंने ये भी देखा, आपने देखा होगा कि जो उन्होंने कमियां महसूस की आज के दिन, उसके लिए भी उन्होंने ओपनली बात की है, खुले दिल से बात की है। और करण जी एक बहुत ही दमदार हमारे नेता हैं, जो कि दिखावा काम करते हैं, दिखावे में उनको विश्वास नहीं है, जैसा कि स्वयं भी कहा, और उनको पहचान है अपने कार्यकर्ता की। मुझे लगता है कि आने वाले समय में उनका जो नेतृत्व है उसका परिणाम अवश्य मिलने वाला है। क्या रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। आज काशीपुर के एलडी भट्ट राजकीय चिकित्सालय पहुंची उत्तराखंड स्वास्थ्य अपर सचिव नमामि बंसल, जिस दौरान उनके द्वारा काशीपुर सरकारी अस्पताल का निरीक्षण किया गया और खामियां पाई जाने पर संबंधित विभाग एवं अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। हमारे चिकित्सा की स्थापना की स्थिति है और उसमें जो हमारे मरीज है उनको क्या समस्याएं आ रही है, क्या उनकी और अतिरिक्त आवश्यकताएं हैं, इसी को समझने के लिए, इसी की ग्राउंड रियलिटी को परखने के लिए ही इंस्पेक्शन या निरीक्षण किया गया है। और इसमें हमारा जो हमारे अपने मेडिकल ऑफिसर्स का फीडबैक है और जो पेशेंट्स का फीडबैक है, उसी के क्रम में आगे आ रही है। यहाँ पर जो है, देखिए, वैधता से ज्यादा हमारा प्रयास ये है कि जितने भी हमारे अस्पताल हैं उनमें चिकित्सकों की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। और जो हमारे अभी वर्तमान में परिस्थिति है, तो पूरे प्रदेश भर में हमारे पास पर्याप्त एमबीबीएस के डॉक्टर्स हैं और स्पेशलिस्ट की जो हमारे पास कमी है उसकी भी पूर्ति करने का प्रयास किया जा रहा है। जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर कोतवाली क्षेत्र में बीते दिन हुए करोड़ों के फर्जीवाड़े एवं जमीन के नकली कागजात बनाने वाले आरोपी को काशीपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, आज क्षेत्राधिकारी वंदना वर्मा ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि थाना आईटीआई में पीड़ित द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, ये एक लगातार हम लोग के पास शिकायतें आ रही थी कि आईटीआई क्षेत्र में कुछ लोग हैं जो एक संगठित गिरोह बनाकर बार बार एक ही बिकी हुई जमीन को लोगों को दिखाते हैं, नए नए लोगों को टारगेट करते हैं, एक ही क्या करते हैं, उस जमीन की जो वास्तविक कीमत होती है उससे कई गुना कम करके उस जमीन को बेचने का लालच देते हैं, जिसके कारण लोग इनकी बातों में आ जाते हैं और अपने जो भी कमाई होती है उसमें लगाते हैं। फाइनली ये गिरोह क्या करता है कि ये उस जमीन को दिखाता है, उसमें अग्रीमेंट भी बनाते हैं, उसके बाद इसमें जो शुरुआत में जो पैसे देने होते हैं वो भी दिए जाते हैं अकाउंट के थ्रू, उसके अलावा इसमें ये रजिस्ट्री भी कराते हैं। रजिस्ट्री के बाद जब दाखिल खारिज का समय आता है तो दाखिल खारिज में ये लोग अक्सर उसमें फरार हो जाते हैं या फिर दाखिल खारिज में पता चलता है कि जमीन ऑलरेडी बिकी हुई है। तो इस प्रकार की ये लगभग 3 शिकायतें हमारे पास पूर्व में आ गई थी और कुछ अन्य शिकायतें भी इनके खिलाफ पेंडिंग है। तो आज इसमें पूर्व में हमने एक मुकदमा जांच करके पंजीकृत करवाया था और इसमें वादी हैं ये हरचरण सिंह हैं, ये आईटीआई निवासी हैं,
इनके द्वारा बताया गया था कि इनके साथ इसी प्रकार की धोखाधड़ी करते हुए ये सुमेर कौशिक हैं। इन्होंने 1,14,00,000 रुपए इनसे इस प्रकार लिए हैं। और जब हमने इसमें मुकदमा पंजीकृत किया और इसमें हमने जब इसमें जाँच करी तो जाँच में सभी तथ्य सही से निकल कर सामने आए। इसमें हमारे जो विवेचक हैं एसआई संतोष देवरानी, इन्होंने सभी डॉक्यूमेंट्स को बाकायदा कलेक्ट किया है और तहसील से भी डॉक्यूमेंट्स लिए हैं और पुराने चकबंदी से भी लिए हैं। सब जगह से डॉक्यूमेंट लेने के बाद जब इसको वेरीफाई किया गया तो ये सभी आरोप सही पाए गए हैं और आज इसको अरेस्ट करके माननीय न्यायालय के समक्ष में इसको पेश कर रहे हैं। इसमें ये जो सुमेर कौशिक है इनके पूरे परिवार इसमें इन्वॉल्व हैं। इनके सभी के परिवार परिजनों के पास इसमें खाते में भी पैसे आए हैं और अन्य कुछ और लोग हैं जिनकी अभी तस्दीक करनी शेष है। और इसी के साथ साथ अगर इनके सभी आरोप की सिद्ध होते हैं तो हम लोग इसमें गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई करेंगे। जनरल उधम सिंह नगर के काशीपुर कोतवाली अंतर्गत कुंडेश्वरी चौकी क्षेत्र से एक मामला प्रकाश में आया है जिसमें पीड़ित द्वारा पुलिस को तहरीर देते हुए बताया गया कि पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों ने उसे जान से मारने की कोशिश की है, साथ ही उसके ऊपर फायर भी किया है। आपको बता दें पुलिस द्वारा तहकीकात शुरू कर दी गई है, साथ ही 3 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। चंद्रावती तिवारी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आईसीए एजुकेशन स्किल काशीपुर की ओर से एक कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें बीकॉम की छात्राओं को फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस आदि के विषय में करियर काउंसलिंग की गई। कार्यशाला के दौरान कॉलेज के प्रोफेसर एवं छात्राएं मौजूद रहीं। रूम का बस कल से चाय, कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। काशीपुर नगर निगम द्वारा मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत एक कलश यात्रा निकाली गई जिसकी शुरुआत नगर निगम से होकर किले मोहल्ले से होते हुए रतन सिनेमा रोड व मेन बाजार से होते हुए वापस नगर निगम पहुंची। इस कलश यात्रा में श्री गुरु नानक गर्ल्स इंटर कॉलेज की छात्राओं व गोविंद वल्लभ पंत के स्काउट के छात्रों ने भी प्रतिभाग किया, साथ ही पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा व्यवस्था का मोर्चा संभाला। हल्के डालो ऐसी कार्यक्रम था जिसमें आपने देखा कि पूरा सारे मठ था स्कूल के छात्र बहन भाई के साथ हमारे जनप्रतिनिधि सामाजिक संगठन व्यापारिक संगठन हमारे जो सब जनपद की महिलाएं लोगों ने बहुत ही ज्यादा बढ़कर चढ़कर हिस्सा लिया, उत्साह दिखाया। जगह जगह जो है पुष्प वर्षा की गई, जगह जगह लोगों ने पानी से जो है बच्चों को जो हमारे धूप में चल रहे हैं उनका स्वागत किया। बहुत ही भव्य कार्यक्रम हुआ है, समीक्षा आपको करनी है, मीडिया ने भी बहुत अच्छा हिस्सा लिया, जितने लोग इसमें प्रतिभाग किए सभी का धन्यवाद है, आभार है। पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद है कि हमारे SSI प्रदीप जी ने पूरा जो है व्यवस्था बनवाया, सभी का आभार, सभी का धन्यवाद। आज काशीपुर पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा का जगह जगह जोरदार स्वागत हुआ, जिस दौरान रामनगर रोड स्थित हीरो मोटर्स के स्वामी एवं पूर्व चेयरमैन मुकेश मेहरोत्रा के पुत्र अर्पित मेहरोत्रा व उनकी टीम द्वारा भी अपने निजी संस्थान के बाहर उनका स्वागत किया गया। फिलहाल बस इतना ही, काशीपुर से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागला न्यूज चैनल से। धन्यवाद।